हेलो दोस्तों, अगर आप भी सचिव जी की तरह लौकी देख देख कर बोर हो गए हैं तो टेंशन नहीं लेने का। आज अपन बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बेहतरीन नाश्ता लौकी का, जो कि इतना हेल्दी और टेस्टी है कि एक बार आप बना लेंगे तो दोबारा आप लौकी के लिए ना नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे नाश्ते हैं लौकी के, लेकिन आज एक ही बताएंगे। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि और भी नाश्ते लौकी के आप देख सकें। तो सबसे पहले हमने लौकी को छीलकर धोकर और काट लिया है इतने बड़े पीस में। अब इसे मिक्सर जार में देकर पीस लेंगे, मिर्च डालकर और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर। अदरक लहसुन मेरे पास ताज़ा वाला नहीं था तो मैंने पेस्ट डाला है, आप ताज़े वाले भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसकी और भी टाइप का इसका और भी तरीका मैंने बनाया है, जिसकी लिंक आप लास्ट तक देखिएगा, उसकी लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत क्रिस्पी बनता है। और अभी हम डालेंगे, एक बोल में ले लेंगे इस पेस्ट को और साथ में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अभी नींबू का रस मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने सिट्रिक एसिड डाला है, बहुत चुटकी भर बस, और थोड़ा सा तेल, आप नींबू का रस अगर हो तो वो डाल लेना। थोड़ा सा बस तेल डाला, आधा चम्मच करीब। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि गाजर बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, अगर आपको मिलती है गर्मी के सीज़न में तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा कम सूजी। सूजी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आटा ज़रूर डालिएगा। आटा मैंने डाला है लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी हम मिक्स करेंगे। मैंने अभी कप इसलिए नहीं बता रही हूँ, आटा और लग सकता है या सूजी और लग सकती है, डिपेंड करता है कि आपने लौकी ताजी लिए हो तो उसमें पानी ज़्यादा निकलता है, या अगर बड़ी लौकी है तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी देखिए, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी गीला है तो मैंने थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा आटा और मिक्स कर दिया है, और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे जैसा ही रहने देना है इसे, जैसे आटा गूंथते हैं ना पूड़ी के लिए, रोटी के लिए, उतना सॉफ्ट, उसे और सॉफ्ट होगा चलेगा, बट गीला मत करना, जैसे भजिया बनाते हैं वैसा गीला नहीं करना है, तो इतना लूज सही है। अभी इसे ढककर आप रख सकते हैं, चाहे तो तुरंत बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अभी काम थे, मतलब मैं नाश्ता ये बना रही थी नाश्ते में, और साथ में टिफ़िन के लिए खाना भी बन रहा था, तो मैंने रोटी वगैरह सब्जी वगैरह काट ली थी इतनी देर में। तो अभी मैंने एक जाली वाला बर्तन लिया है, उसमें लगाया है तेल, और इस तरीके से हाथ से आप इसका शेप बना लीजिएगा ऐसा गोल गोल, और इसे हम रखेंगे। जितने भी आप गोल बना सकते हैं, जितना बड़ा बर्तन है उतना लंबा आप बना सकते हैं, और जितने भी आप पीस बनाते हैं उनके बीच में गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड डला है, तेल डला है, जब ये स्टीम में पकेगा तो ये फूलेगा भी, थोड़ा सा फैलेगा भी, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखना। तो मैंने इस तरीके से तीन बनाया था, और ये तीन लोगों के लायक अच्छा नाश्ता था, और आपके ये ना बहुत अच्छा नाश्ता होता है, अगर आप बच्चों को भी टिफ़िन में देना चाहते हैं टिफ़िन में दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा सब्जी रोटी की तरह ही ये न्यूट्रिशन देता है। अभी देखिए, उबलते हुए पानी के ऊपर इसे रखेंगे और ढककर पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट। मैंने 20 मिनट पकाया था ताकि आटा में कोई भी कच्चापन ना रहे, अच्छे से पक जाए। तो आप थोड़ा सा 15 से 20 मिनट तो इसे पकने देना, फिर इसे खोलकर ठंडा होने देना और इस तरीके से पीसेस में कट कर लेना। थोड़ा सा ये चाकू में चिपकता ज़रूर है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ठंडा करके इसे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो मैं कभी कभी डीप फ्राई भी कर, मैं कई बार बनाती हूँ ये नाश्ता, डीप फ्राई करने वाला भी रखा, उससे बहुत क्रिस्पी बनता है। अभी तो मैं सिर्फ तड़का लगा रही हूँ, तड़का लगाने से सिर्फ तड़का लगेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। अभी मैंने तेल में डाला है राई और तिल, सफ़ेद तिल, और इसके बाद करी पत्ता डालेंगे और इन पीसेस को हम रखेंगे। तो ये लौकी और आटे की मुठिया कहलाती है, गुजराती डिश है जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। जिस तरीके से मैं अभी रख रही हूँ तेल में, इस तरीके से आप पैन में या तवे में रख के और दोनों साइड पे अच्छे से पका सकते हैं मीडियम फ्लेम पे, जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनता है। लेकिन मैं एक साथ ही सारा डाल रही हूँ और बस लगातार ही चलाकर पका रही हूँ, मैंने ज़्यादा देर नहीं पकाया है, ये वाला क्रिस्पी मैंने नहीं बनाया है, कि क्रिस्पी बनाने में थोड़ा सा तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बस, बाकी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का बना लें कहीं सफ़र के लिए, तो आप इसे डीप फ्राई कर लेना, तो आप ये 2-3 दिन तक बढ़िया चल जाएगा।
ये बढ़िया से पक चुका है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। आप चटनी या दही के साथ खाइएगा। क्रिस्पी वाला लिंक दिया हुआ है तो आप देखिएगा ज़रूर, उसे भी बहुत ही टेस्टी है, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।